शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो हेलो, सुनो, मुझे लगता है मैंने पहले कहीं आपको देखा है। नहीं, वो पीछे से लगता होगा, मुझे पीछे से देखकर बहुत लोगों को आप जैसा ही लगता है। सुनो भाई, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं भेजता हूँ किसी को। किसको भेजोगे? अरे अरे, तुम मेरी तरफ घूमती क्यों नहीं हो? नहीं, मैं तो घूम रहा हूँ, लेकिन आप भी मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं ना, तो ओके ओके ओके, मैं घूमना बंद कर देता हूँ बस। लेकिन अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हो मुझे? नहीं, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। क्या? हाँ, क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई। क्या? मैं चलता हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अरे लेकिन जाते जाते ये तो बता जाओ कि सोमनाथ जी कहाँ गए हैं? वो मंदिर गए। मंदिर गए हैं? अरे भाई, तुम पूरे चेहरे को क्यों साबुन लगा रहे हो? पूरे चेहरे पे बाल आते हैं? कमाल, लोगों को कहाँ कहाँ बाल आते हैं। अच्छा भाई, ये बताओ, ये सोमनाथ जी वो भी दाढ़ी बनाने गए? कौन है भाई? जी, मैं भिखी भाई कॉलेज का डीन हूँ, मुझे सोमनाथ जी से मिलना है। अच्छा अच्छा, तू कभी सोमनाथ जी से मिला है? जी नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, सिर्फ तारीफ सुनी है उनकी। मैं ही सोमनाथ हूँ, बोल। अच्छा, आओ फिर। लेकिन अभी अभी एक लड़के ने कहा कि आप मंदिर गए हुए हैं। वो मेरा नौकर है, मंदिर ही जा रहा था, वाइफ की टूटी हुई चप्पल टूट गई तो लौट आया। आपसे आपसे मिलके मैं बहुत धन्य हो गया। आप बंधे हैं? हूँ, क्या कर लेगा पे? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये सुन के बड़ा दुख हुआ मुझे। आपकी तारीफ बहुत सुनी है मैंने, बहुत तारीफ सुनी है। आप एयरफोर्स में थे, फिर रिटायरमेंट के बाद हमारी कॉलेज में प्राध्यापक हुए संस्कृत के, हमारी सारी कॉलेज आपसे बहुत प्यार करती है। ठीक है ठीक है, आप बैठ। अबे संभाल के। क्या हुआ? अब टेबल है ना। आप सचमुच अंधे हैं? Can't you see? Oh, can't see? I can see. I can see. वो घड़ी दिख रही है? हाँ हाँ, दिख रही है। वो नहीं, ये अच्छा, ये मुझे नहीं दिख रही है। मुझे दिखाई दे रही है। कितना बजा? 7:30। ग्यारह बजे। मुझे नहीं मालूम क्या कितना बजा है। मुझे दिखाई दे रहा है। अब विश्वास हुआ कि मैं अंधा हूँ? नहीं, मारिए मत सर, सर मारिए मत सर, मेरी बात सुनो। क्या काम था? एक्चुअली क्या है ना सर, हमारी कॉलेज के 50 साल पूरे हो रहे हैं ना, उसके लिए एक फंक्शन है। मैं आपको पर्सनली इनवाइट करने के लिए आया हूँ सर। क्या क्या प्रोग्राम है? पहले पूजा का डांस है। पूजा कौन? पूजा कौन? पूजा पूजा अर्चना। के अर्चना तय कर ले पहले। लड़की कौन? नहीं सर, लड़की नहीं, पूजा, भगवान की पूजा होती है ना, वो जुचू आ गए तब डांस। उसके बाद आपकी देशभक्ति पर एक संस्कृत नाटिका थी ना, उसका मंचन है, मंचन है। उसके बाद वक्तृत्व। थूकता है, थूकता है ना लाए। वक्तृत्व स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है? कौन है? लगता है बर्फ पड़ने वाली है। ओ, नमस्ते माँ जी, आप भी अंधी हैं? आप भी अंधी हैं? मुझे क्या लगता है, हम दोनों यहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक खेल रहे हैं? हाँ? नहीं, मुझे लगा वो व्हाइट व्हाइट खेल रहे हैं। तेरे गले का पट्टा कहाँ गया? क्या वो दुख रहा था ना, इसलिए मैंने निकाल दिया वो। लेकिन आपको कैसे पता चला मैं गले में पट्टा पहनता हूँ? मुझे तेरी सारी हरकतें मालूम है। वो रोजी मैडम के साथ तेरा टाका भिड़ा है ना? मैं निकलता हूँ। निकल, 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 निकल,
पी के नहीं जाएगा? मैं नहीं पीता। नहीं पीता? अबे दिन में तो हम भी नहीं पीते। ये चाय की बात कर रही है। चाय? आप इतनी प्यार से कह रही है तो प्लीज प्लीज बना दीजिए ना चाय। शर्म, मैं अंधी होके चाय बनाऊंगी? कमीने, जा सबके लिए चाय बना, रसोई घर वहां पे। मुझे चाय बनाने नहीं आती। तो बैठा क्यों है? ठीक है ठीक है, मैं निकलता हूँ। वहां क्या भीख मांगने जा रहा है? बाहर जाने का रास्ता वहां है। अबे कार्ड तो देखे जा। ये लीजिए। तू ये ले। नहीं, नहीं, ये बुक मुझे पढ़ने नहीं आती। ले ना। मैं यहाँ क्वींस गेट टेरेस के सामने खड़ा हूँ। हाँ, माल मेरे पास है, तुम सिर्फ पैसे लेके आ जाओ। अरे वो साला किधर है? मैं इधर हूँ, पहचाना? अरे तू नहीं यार, वो बुड्ढा किधर है? सिटी महात्मा गांधी को भूल गए क्या? अबे महात्मा गांधी नहीं, एम जी गांधी, मनु भाई गांधी के बारे में क्या जानता है? तो तू कौन है? क्या 4,000? जब मैंने तेरे को सूट बेचा तूने मुझे 1,000 रुपए दिया, अब 4,000, 300% मुनाफा। हाँ तो ऊपर खर्चा तो मैंने करवाया ना। कौन सा खर्चा? अरे इसको बटन नहीं था, बटन लगवाया, चूहे ने जहाँ जहाँ से काटा था वहाँ रफू करवाया, कितना गंदा हो गया था ये, डाई किलिंग करवाया। भाई देख, 4,000 में लेना है ना तो ले। हाँ लाया। Thank you.
5000 ऐसे इधर 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 ना। मैंने तेरे को 12 नंबर का जूता दिया तो तू मेरे को 150 रुपया दिया, उसने एक छोटी पुड़िया दी तो उसको 5000 देता है, हाँ? ये भेदभाव क्यों? अरे सिंह जाने की पुड़िया थोड़ी ना है वो। तो फिर वो तो गंजा हीरोइन का बिजनेस है, गंजा हीरोइन का। हीरोइन को गंजा करके बंगार में बेचने का? नहीं रे, गंजा हीरोइन हीरोइन समझा। ड्रग्स। ए ठीक, बड़ी मस्ती करता तू। ए मेरे को देना ये सूट, देना 4000 में लेना है तो ले, हा? नहीं तो फूट। हाँ ठीक है, पुलिस को बताऊंगा तब पता चलेगा। अभी जो है आइटम देखे गए ना, वो पुलिस वाला ही था। तो ठीक है, मिलिट्री वालों को बताऊंगा। ठहर, हराम खोर ऐसे चलाओ ना। डेढ़ सौ रुपया देगा। एक का 150 यानी कि 2 का 300 ना। अरे आदमी जूता लेगा तो जोड़ी ही लेगा ना। ये कचरा सेठ का कचरा नहीं करने का। ओ सेठ, मेड इन जापान। तो जापान के चोर बाजार में जाके बेचा। पहले वो लक्ष्मी फंड वाली ने लूटा, अब तू भी लूट ले। ये ले, खींच ले। वसूली ने कमरा देखा। मैं नहीं खोलूंगा दरवाजा। अरे यार, ओ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अकेले हो? हाँ सर, बिल्कुल अकेला। पार्टी वार्टी हो गई? मैं तो पढ़ाई कर रहा था सर, पार्टी नहीं। तुम्हें डॉक्टर बनना है ना? हाँ सर, कैंसर स्पेशलिस्ट। कैंसर स्पेशलिस्ट जी। तो कैंसर स्पेशलिस्ट मुझे बताओ, मुझे कौन सी खास जगह पर कैंसर हुआ है? सर मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, मैं कैसे बता सकता? शट अप! तुम्हीं लोगों ने उन स्टूडेंट्स को बताया कि मुझे कैंसर हुआ है, पर कैंसर के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। गरीब हो चुका हूँ मैं। फंस रहा हूँ नाला, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बच्चों की फीस छीन ली तुम लोगों ने, है? सुबह से 500 SMS आ चुके हैं मुझे, जब से उन लोगों को पता चला है मुझे कैंसर हुआ है। 500 SMS आ चुके हैं। सर ये तो खुशी की बात है ना, कितने चाहने वाले आपके। शट अप, शट अप! वो मुझे SMS इसलिए कर रहे हैं कि मरने से पहले मैं उनका कर्जा चुकता करूं। ये सब तुम लोगों ने फ्रॉड किया है, तुम्हीं लोगों ने किया है। नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर सर सर, आप तो जानते हैं मेरी माँ ने कैसे कैसे ख्वाब देखे मेरे लिए। सर प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अच्छा, प्लीज सर। तुम्हारी माँ ने ऐसे ख्वाब देखे हैं? क्या ये सर ह्यूमन रिसर्च? ह्यूमन रिसर्च का सब्जेक्ट है ना मेरा, इसलिए मैं इन सब चीजों पे थीसिस कर रहा हूँ। ह्यूमन रिसर्च है सर? ये नंगे चीथड़ों पे थीसिस लिख रहे हो तुम? ये असली फोटो? नहीं 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 सर, वो दीवारों पर लिखा जाए इसलिए मैंने ये फोटोग्राफ। इसमें और कुछ नहीं है सर? दूसरा कुछ चिपका दे बेटा। सर और कुछ मिला नहीं सर वो। देखो लक्ष्मण बेटा, यू आर अ गुड बॉय, लेकिन उन तीनों बदमाशों को यहाँ पे एंटर नहीं होने देना। नहीं सर प्लीज, बिल्कुल नहीं। प्लीज बेटा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। राइट सर, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। सर नहीं नहीं सर। ए चोर सर, पता नहीं ये लोग कौन है, ये मेरे साथ नहीं है। सर यू नो देम? तो तुम सब लोग यहीं पर ही हो। ये लीजिए, रूम का भाड़ा समझ के रख लीजिए, हर महीने दे देंगे। मुझे घूस दे रहे हो? हैं? कितने साल हुए तुम लोगों को कॉलेज से निकाले? 10 साल। 10? 10 साल हो गए फिर भी यहीं पर पड़े हो? सर सर सर, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक स्कीम है मेरे पास, आप बैठिए। नहीं जी, बैठिए ना। छोड़ो। एक जिपो लाइटर खरीदने पर एक फ्लैट फ्री। कोई स्कीम नहीं चाहिए तुम लोगों की मुझे। पिछली बार भी ऐसी स्कीम दी थी सर, ये देखो ऐसा एसी लाया हूँ कि जिंदगी भर इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आएगा। एसी का अच्छा था लेकिन। चुप कर बेवकूफ, आज तक कर्जा लेके उसका बिल चुका रहा हूँ मैं। आप ए ए उ ए ई ओ आ उ ए ई ओ आओ आओ क्या आओ 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 सर सर ये बोल रहा है ए, हमको मालूम है कि आपका दिल रोजी मैडम पे आया और आज तक उसके बारे में हमने आपकी बीवी को खत नहीं लिखा। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कोशिश कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों को पुलिस के हवाले करूंगा। एक तो इल्लीगली यहाँ 10 साल से रह रहे हो, मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। पूरी जिंदगी जेल में कटेगी तुम्हारी। गेट आउट, गेट आउट। नाराज क्यों होते हो? तमीज से बोलो ना।
Get out! देखो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। और इन तीन लफंगों को अंदर नहीं आने देना। दरवाजा बंद करके रखो। एब्सोल्युटली। ये लफंगे अंदर नहीं आने चाहिए। नहीं सर। Get out! थैंक यू सर। सॉरी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। एक और एक 11। टीचर का नहीं सुनने का वो पागल है। ए, बंदूकें किधर है? ये स्कूल में जाएगा ना तो ऐसा हालत होएगा। खुद के पास बंदूक और हमको पूछता है बंदूक किधर है। ज्यादा नौटंकी मत कर साले, छह की छह गोलियां घुसड़ूंगा पेट में। वो तीन बड़ी वाली बंदूकें कहाँ है? वो हाँ, वो तो मैंने बेच डाली भाई। क्या बेच डाली? हाँ। तेरे को किसने बोला था ये बंदूकें बेचने के लिए? तेरे को जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, तेरे को डबल चाहिए, ट्रिपल, जितना चाहिए सब दूंगा। लेकिन वो तूने बंदूकें किसको बेची? अभी वो रहता कहाँ है मुझे कैसे मालूम। ये तो वही चाहिए। कल आना बंदूक वाला। भाई कचरा सेठ। हाँ बोलो कचरा सेठ। वो बंदूक वाला इधर ही जा रहे लाए। एक काम करो, तुम फटाफट फटपटी पे बैठ के यहाँ जाओ, तब तक मैं उसे संभालता हूँ। अच्छा चलो। एकदम कड़क माल है ना? ये ले 5,000। नहीं नहीं सेठ, ये सैंपल है, मेरे पास 100-150 किलो है। 100-150 किलो माल, मतलब 2-3 करोड़ का माल है। तूने क्या गंजे का खेती चला के रखा? माल रेडी है, रोकड़ा रेडी है क्या? कैसी बात करता है, ये बंगार की दुकान में मैं 2-3 करोड़ रुपए लेके बैठूंगा? तू एक काम कर, तू मुझे फोन कर, ये मेरा सैमसंग का नंबर है, मुझे 4 बजे फोन कर। है जा। इना मीना डी का? ए, तेरे को मेरे तीनों बेटियों के नाम कैसे मालूम है? बताना कैसे मालूम, बताना। मेरे कॉलेज में पढ़ती है। ए, वो तीनों तो 3री में पढ़ती है।